अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने तारों को कनेक्ट करेंगे और बताएंगे कि तारों को आपस में कैसे जॉइंट लगाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से जॉइंट लगाएंगे जो कि आप भी इजीली लगा सकते हैं। ये आपको वायर नज़र आ रही हैं जिनका हम जॉइंट लगाएंगे। ये सबसे पहले हम जो जोड़ लगा रहे हैं ये यूपीएस की वायर का है। ये एक ब्लू कलर की है और एक येलो कलर की है। सबसे पहले तारों को ऐसे आपस में बराबर कर लें। बराबर करने के बाद दोनों को एक साइड के साथ काट लें। तारे इस अंदाज से काटने के इनका कंडक्टर है जो आपस में वो अंदर से जख्मी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें कि अगर कंडक्टर जख्मी हो गया तो तारों का जो ज्वाइंट है वो इजिली नहीं लग सकेगा, वो तार अंदर से ख़राब हो जाएगी, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखा करें। ऐसे इसके इंसुलेशन को ऊपर से उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद ये जो तारे इन्हें सीधा कर लें, सीधा करें और यहाँ से ऊपर रखें। ऊपर रखने के बाद इस अंदाज से के ऊपर इसे लपेट लें। ये होगी एक तार, ये दूसरी उस साइड वाली, ये येलो कलर वाली। क्लास की मदद से इसे ऐसे वेट दे दें और मजबूत कर लें ताकि ये उतरे ना। ऐसे जॉइंट जो है फैन बॉक्स के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। ये इसका जॉइंट लग गया। इसके बाद हम लगा लेते हैं फेस का जॉइंट। ये रेड वाली फेस है, इसके साथ ही ये भी रेड वाली फेस है। ये इसी कमरे के दोनों बॉक्स ही हैं तो इसलिए हमने लादा लादा मेन डालने के बजाय एक मेन डाली है और उसके साथ इन्हें आपस में जॉइंट कर रहे हैं। तार को ऐसे खोल लें। खोलने के फायदा ये होगा कि तार उसके ऊपर रोल सही हो जाएगी। इसका इंसुलेशन जो है सख्त है इसलिए इसे ऊपर से उखाड़ने के लिए स्कैटर का इस्तेमाल करें। इसे इससे उखाड़ लें। वैसे वायर स्ट्रिपर का इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, या केबल लाइफ का, तो उससे इसका इंसुलेशन इजीली उतर जाएगा। लेकिन इससे भी आप आसानी से उतार सकते हैं अगर आपको वो मैसर नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट किया, इसके बाद से आपकी मदद से ब्रेंड काम है।
ये अब दो तारों के न्यूट्रल चार हो चुके हैं, एक यूपीएस का और एक फेस का। अब रह गया न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर के लिए हमारे पास ये काफ़ी सारी न्यूट्रल हैं। ये जो है ये लाइट्स की न्यूट्रल है सारी, और ये जो है ये मेन न्यूट्रल है। अब लाइट्स की न्यूट्रल को हमने मेन न्यूट्रल के साथ जोड़ना है, तो इसके लिए हम इसे इस तरसीब से जोड़ेंगे कि जोड़ जो आपको खूबसूरत भी नज़र आए, बैग्स में गंद ना पड़ा हो। तारों को बाद में ऐसे प्रेस करना है कि ये हमारा न्यूट्रल का भी जोड़ कोमल हो गया। अब एक टेपिंग रहेगी, इसके ऊपर हम टेपिंग